व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रेशमो। आज हम देखने वाले हैं ट्राई नॉट टू लव चैलेंज वर्सेस माय ब्रदर। तो इसमें आज दोनों ही इंसान होने वाले हैं, फुकरा और ट्रिगर्ड। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। ताकि दूसरे को मार सके। लेकिन पार्ट टू जहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं कुछ ऐसे मीम्स। मैं कमजोर बस पढ़ाई में हूँ। अच्छा, पढ़ाई में नहीं। मुझे पता था ऐसे का। बच गया। एक मार रहे थे, दो मारे हैं तूने। वो पहला मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था साले, दूसरा कैसे मार रहा। आओ, मेरे को तू मार नहीं सकता। आज मैंने सोचा हुआ कि मैं एक भी मुक्का नहीं खाने वाला भाई। पर तूने एक चीज देखी, वो सिर्फ पढ़ाई में कमजोर है, लड़ाई में नहीं। तेरी तरह बोल। ब्रेकअप जी यार, लेकिन फिर ये क्या था बाद में? ये लास्ट में जो इसने किया है ना, नागराज तू भी ऐसा है। क्या कुछ बीमारी होगी? कसम मैं भी ऐसा। बोल ब्रेकअप। ब्रेकअप दिया। उसके बाद जो वो बोलते ना, बाजी वाह एक्टिंग की बादशाह हो गए। तू हंस रहा है, तू ही मुक्के खाएगा। ओके ओके। फिजिकली क्या स्ट्रेंथ क्या आपकी? फिजिकली मैम मैं 100 मीटर दौड़ती हूँ। पहले मैं दौड़ती थी 11 सेकंड्स में। 11 सेकंड्स में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड क्या है आपको मालूम है? 9.3। यू आर सेइंग यू आर जस्ट अ लिटिल ओवर 1 सेकंड। वो सीधी लाइन थी, कहते दौड़ लो, मैंने दौड़ लिया, मैं जीत गई। वो कहते 11 सेकंड में पूरा कर दिया। ये अलग ही चल रहा है भाई साहब। उसेन बोल्ट तेरे को डर नहीं लगता? खत्म नहीं हुआ। देखने वहाँ से ना, स्टॉप से शुरू करो, इधर से उधर से यहीं तक भागना। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। गिर गई। कर रहे हैं तो 11 सेकंड में करती है 100 मीटर। खेलती बहुत हूँ। एक और बार आ गई। जिस बातों से खेल रही। What country is he from? England. मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड तो चल मैं फिर भी मान सकता हूँ। मैनचेस्टर कंट्री। क्या बात है जी, क्या बात है। एक्टिंग के बाद शौ जी तुसी। आप तो हंसने में। अरे एक बार पूरा तो दिखा देता यार। खत्म हो गया। डांडू बेचारा। वकांडा फॉरएवर। अमर शील्ड। लेट मी पिक माय स्पॉट। अच्छा पूरा पोजीशन लेके इतना बिल्डअप के बाद मुक्का था ना, कसम से अपने लिए वो चाय वाला मीम करने का मन कर रहा है। वाह जी वाह, लग रहा है कोई पप्पी दे गया। अरे गफ्फार भाई क्या हुआ? पापा नहीं है घर पे। अरे सत्तार रुक, मैं घर पे ही हूँ। और भाई क्या हाल चाल है? ये क्या था? ठीक है मैं चलता हूँ। गफ्फार भाई कितने मासूम लग रहे हैं। अरे गफ्फार भाई, नहीं सॉरी गफ्फार भाई, यार 2 दिन पहले तो आता है, आज तो उसकी 12 बजे आता हूं। क्या रोज रोज आता है मेरे घर पे? चल भाग। अबे तू जानता है कौन है वो? आप उसके पीछे मुझे मार रहे हो, है कौन वो? बेटा तेरा बाप है वो सग्गा। क्या बात कर रहा हूं? हां तेरा बाप है वो। मेरे घर पे कोई औलाद नहीं थी तब, मेरे उस जिगरी दोस्त ने अपने जिगर के टुकड़े को मुझे दे दिया ताकि मैं खुश रह सकूं। बहुत रोना आ रहा है। इमोशनल स्टोरी थी यार बहुत। अब मैं कैसे, अब मैं 10 दिन हंसूंगी। पलट गया आराम से। सोचा था कि ऐसे की स्टोरी मिलेगी इसमें। क्राई आ गया भाई। मिलियंस में व्यूज होंगे इस पर। क्या देखा ये? क्या नहीं, क्यों देखा? माय गॉड।
मेरा तो एक टीयर निकल गया भाई। तू क्या रेडी हो रहा है? मुक्का मैं तेरे को मारूंगा। मेरा तो ऑलरेडी क्राई आ गया है, मुक्का मार के खत्म कर दो मुझे। लो पावर पंच लोड कर रहा हूँ मैं। पीठ पे मारियो प्लीज। अब्बू जब अपने दोस्तों के घर जाते हैं उनको भी यही बोल के आते हैं। क्या बोल के आते हैं? जब तू अपने दोस्तों के घर जाता है तो तेरे दोस्तों के पापा भी उनके बच्चों को यही बोलते हैं ना, बेटा वो तेरा बाप है। एक्चुअली मेरा नाम अब्बू है ना, तो अब्बू मींस डैडी। समझा तू? समझा वो लेट। नोप लेट नहीं समझा। जान भाई जान। यार मेरे पास तो आती नहीं है यार। आपको गलत तो क्या हुआ? आज भी तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है। कमांडर सूरज। यस सर। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने चांद को अगवा कर लिया है। या अल्लाह, हमें चांद को बचाना होगा। कमांडर सूरज चांद को अगवा कर लिया है। जान यार, भारत माता ने इस मिशन के लिए मुझे चुना है यार, मुझे जाना पड़ेगा यार। यार मैं भी चलूंगा यार। नहीं नहीं, भारत माता को तुम्हारी यहाँ इंशाल्लाह तो करेगा वो। और जो ये गाना लगाया है ना साथ में, चांद धरती पे लाया। चांद का कहाँ से लॉजिक आया? चांद का लॉजिक। सूरज भाई बहुत फनी बनाया भैया। पहले एलियन भी आए हुए। भाईजान आपको चैलेंज करना ही पड़ेगा। एक्चुअली अपने सेटअप पे होता तो मैं अपना पीसी तोड़ देता भाई। अभी मैं तुझे तोड़ता हूं। मैं हंसा तू है। अच्छा तोड़ ले, मुझे तोड़ ले। मैं तो क्रिंज कर रहा हूं। मुझे पीसी समझ के तोड़ ले। मार मार मुझे, मार। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। कौन लाया ये मीम्स? ये मीम्स के नाम पे कलंक है भाई। कलंक लगा अबे क्या है? यही है। लॉन्च हो गया ऊपर जाके चांद नीचे गया। पाकिस्तानी एलियन है वो, उस पे गोलियां चला रहा है वो, उसको चला रहा है वो। हाथ नहीं है मेरे ऐसे उसके आगे। और एंड में तूने सुना? तूने एंड मिस कर दिया। ध्यान से सुन। अब दोनों हंस रहे। ओ भाई साहब जेरी, अब दोनों हंस रहे। ज्यादा एक्सट्रीम था। दोनों पिटेंगे। जिसने ये मीम्स ढूंढे हैं उसके लिए 21 तोपों की सलामी है भाई। दिस इज द ग्रेटेस्ट मीम आई हैव सीन इन माय लाइफ एवर। इससे ऊपर कभी कुछ नहीं देखा, आई स्वेयर। रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। रसगुल्ला बीच में किधर से है? ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। और इन दोनों के सामने इडली डोसा की क्या औकात है? उसके ऊपर कर दिया पॉइंट। समझ ही नहीं सकता क्योंकि तेरा आईक्यू जो है ना, तेरा इंटेलेक्ट बहुत कम है। रसगुल्ला कौन हुआ? बबीता जी। रसगुल्ले जैसी गोरी गोरी है। जलेबी वो खुद बना हुआ था और उनके बीच में इडली डोसा, यानी कि अय्यर साउथ इंडियन। तो समझा? अब समझा? तो अब हंस, गुस्सा मारने का मौका तो दे। तो क्यों नहीं है? संजू भाई कपूर हल्की आंख पे पका हुआ। संजय दत्त ये मिक्सर अमित कपूर सेक्टर मिक्स। हल्की आंख पे पका हुआ, रात भर गर्म पानी में भिगोया हुआ संजय दत्त। मिक्सर लगा लो रणबीर और संजय का। मैंने तो बस लाइन ही तो मारी। ऐसा है तू? धीमी आंच पे पका हुआ संजय दत्त। है तू रात भर हंसा है? तू हंसा है? मुझे पता नहीं है पर तू हंसा है। सारा बदला जितना गुस्सा है। मुझे क्यों तोड़ा? If संजय दत्त एंड रणबीर कपूर had a child, then this. पूरी रात भिगोए हुए बादाम जैसे होते हैं, वैसे ये भिगोया हुआ संजय दत्त। भैया की दिमागी हालत के कारण इनके साथ घूमने का मन नहीं करता। भैया आप मेरे साथ घूमने मत आया करो, आपके साथ घूमने में मुझे शर्म आती है। जी, मैं और तू है ना? ना, मैं बोलने वाली थी, कसम से मैं बोलने वाली थी। मैं और तू है ना? देखते ही हम दोनों की याद आई। भैया आप मेरे साथ मत आया करो भैया। ऐसे ये मुझे भी कहीं नहीं लेके जाता गाइस, ही इज अशेम्ड। ओ अच्छा, क्राई आ गया। मैं थोड़ा सा क्राई के बाद चलो हूं ना गाइस। ओ ये बंटी आए। भैया आप मेरे साथ घूमने मत आया करो, आपके साथ घूमने में मुझे शर्म आती है। वैसे भी सबके भाई उनके लिए कितना कुछ करते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? यार भाई देख, मेरे पास नकली नोट है, इससे अपन किसी के मजे लेते हैं।
नो भाई देख वो पागल आ रहा है, चल इसी के मजे लो। ये पागल इतना रिलेटेबल क्यों है ये? उसे पैसे चाहिए, ये ले पैसे, जा अपने सपने पूरे कर ले। भैया ये सारे बलून मेरे भाई को बहुत पसंद है, सारे दे दो। अबे तेरे पास पैसे हैं? हाँ बहुत पैसे हैं, दिखा सारे बलून दे दो। अबे पागल नकली नोट देता है, मैंने झूठ नहीं बोला, असली पैसे हैं वो। अच्छा ये लड़ेगा भैया, तो आप मेरी खुशी के लिए कितना कुछ करते हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अपने मजाक के लिए कभी भी किसी के सपने ये सही स्टोरी बैठी नहीं जल्दी पलट गया हरामी मानुस पलट गया। दो मिनट पहले बोल के गया आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, सबके बड़े भाई उनके लिए इतना कुछ करते हैं, एक सेकंड के बाद आके बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो। अबे मैं यू हो और पहली बार ट्राई नॉट टू लव चैलेंज चल रहा है, ट्राई नॉट टू क्राई, ये तो क्राई निकल गया भाई, मेरी किडनी में क्राई आ गया, मेरा रोहित की रिलेटेबिलिटी आ गई भाई। रोहित मांगे बॉर्नविटा, मुझे बॉर्नविटा चाहिए लेकिन मैं बॉर्नविटा नहीं पीऊंगा आज, आज मैं कुल्का भी पीऊंगा और तेरे लिए मैं शायरी को बारे लेके आऊंगा मेरे भाई। भैया भैया ये शायरी को बारी दे दो, ये लो मेरा आईफोन रख लो, आईफोन 14 प्रो मैक्स रख लो भैया, ये मेरा है। मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है? ऐसे तो वही है, ये तो वही है जो रियल ऑस्टिन जोकर। मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, नीचे के चार बटन क्यों खोल रखे हैं इसने, बंद नहीं हो रहे ना वो, क्यूट कैसे लग रहा है? बहुत क्यूट है यार, ही इज एक्चुअली सो क्यूट। वो लड़की देख उसको खिलाने की कोशिश, ऑस्टिन भाई ने जिंदगी में इतनी लड़कियां घुमाई है, इतनी लड़कियों के पप्पी लिया है, आज भी निश्चय सोच रहा है उसका खाता कब खुलेगा। ये सही वजह है, इसने बदले के लिए मारा भाई, कसम से बहुत तेज लगा है। कहाँ पे कहाँ लगा, इधर लगा क्या? इधर लेफ्ट में थोड़ा, इधर अबे लेफ्ट, इधर यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है, नीचे नहीं हो रही है। कर ले साले की पोल क्या खोल दी। कुछ नहीं हुआ है, चले नटंकी। बहुत तो बहुत जोर की पड़ा मजाक करके। रोनू अब तू समझ रहा क्या बात है, अगर तेरे को लड़की पटानी है, तेरे को लड़के के हाथ से खाना खाना है तो अपना पेट दिखा चल सबको। 3, 2, 1 अच्छा ठीक है समझ गया। जो भी लड़की बाइक चलाने के बारे में सोच रही है प्लीज देखा था हमने, देयर इज नो सेकंड थॉट फॉर यू गर्ल्स, क्योंकि ये सिर्फ कोई शौक या पैशन नहीं है, इट्स अ लाइफ स्किल। आपको कहीं भी जाना है आपको आना चाहिए, आपकी डिपेंडेंसी दूसरों से खत्म होती है, तो इट मेक्स यू मोर इंडिपेंडेंट, इट गिव्स यू मोर पावर इन लाइफ। एंड हमने ना बाइकिंग को बहुत ज्यादा जेंडरलाइज कर दिया है, इट शुड नॉट बी। अगर मैं इस बाइक को स्टार्ट करती हूँ ये स्टार्ट हो जाती है, ये मुझसे जेंडर नहीं पूछती है, तो प्लीज गो फॉर इट। सही बात बोल रहे दीदी, बिल्कुल सही बोल रही थी। इतना ज्ञान पहले के बाद वुमेन को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तू हंसा है और उसके बाद तुम बाइक चलाते डेमो देते देते मैं भी गिर जाती हूँ, इससे ज्यादा बड़ी छंड क्या हो सकती है तुम्हारी जिंदगी में। बात तो सही है, मुख्यमंत्री कौन है? ओगी आदित्यनाथ जी। ओगी 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 आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, और पार्टी कौन सी है? ओगी एंड द कॉकरोचेस। इतना चुभने लगा हूँ सबको, वेट फॉर द एंड पोज वन। अरे उसने कितना स्लो है दिमाग से, वो एडिट करना सिखा रहा है, पहले उसने दिखाया ये वाला पोज दो, ठीक है ये एक पोज हुआ, फिर दूसरा पोज है ऐसे अपने बाइसेप्स फ्लेक्स करो, और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट दोनों फोटो को मर्ज करके ये एडिटेड। भाई एडिट सीख रहा है तू, ओ माय गॉड, ये ही तो फोटो है जिसको डालने से तेरे 100 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, इसलिए तो तेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। गाइस गाइस आई एम सो सॉरी बट ट्रिगर्ड इंसान, आई एम गोइंग, सही में इतनी बकवास दीजिए, जाने के लिए दो घूंसे खाने पड़ेंगे, देखो जाना है तो दो। क्या क्या देख रहे हैं हम यार, मतलब क्या नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये मीम्स लाए क्या लाए? आज तो कुछ तो कराए वाले ज्यादा थे यार। अच्छा ये क्या है, अश्लील चीजें भी देखने लग गई क्या? हाय हाय उसके मुंह में पहले दूध डाला फिर चौकोस डाला, हद होती है। मैं नहीं एक सकती यार, बट ट्राई नॉट टू लाफ, बट ट्राई नॉट टू क्रिंज बनते हुए भाई, ये तो एक बार भैया तो गया भैया 10 to 100।
क्या हो गया, ऐसी शक्ल क्यों बना रखा है जैसे पॉटी निकल गई? तूने कसम से आज मेरी पॉटी निकाल दी, ऐसी चीजें दिखा दिखा के कब्जी हो गई है मतलब भगवान कसम, मैंने तेरे 100 ट्राई नॉट टू लव चैलेंज करोगे, मैंने ऐसी चीजें आज तक जिंदगी में देखी है। हां कहां से ढूंढ के लाया भाई ये? भाई तो जिसके भी ढूंढे हैं दूध डाल के उसमें से चौकोस डाल के हंस रहा है। और भाई हम हमारे जो टिकटॉक पे वीडियोस होती थी वो बहुत क्रिंजी होती थी, बट ये उससे भी ऊपर है। मुझे लग रहा है ये भार वाले और आगे चूक लगा के वीपीएन लगा के कहीं ना कहीं से टिकटॉक की वीडियोस ला रहा है। ये वो हाथ मिलाते हुए ले ले, इतना रोटी खाऊंगा इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, आरो रोटी लूंगा, रखे हुए हैं बैग में आरो रोटियां, सब्जी देखिए इतना सब्जी है इतना रोटी। आंटी सब्जी इतनी सब्जी के साथ इतनी रोटी कैसे खा लोगे? कम खाते हैं ना, ज्यादा तो नहीं खाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपकी भूख है आप जितनी मर्जी खाओ, आपको 100 रोटियां खानी है 200 खानी है वो आपकी मर्जी है, पर सब्जी थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा सब्जी। जो भी कहो आंटी के दांत बहुत प्यारे हैं वो। दो यहाँ से दो यहाँ से दो यहाँ से बस मेरे से नजर रोटी पे ही थी उस टाइम पे। देख 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 हो गया चैलेंज यहीं पे समाप्त हो गया, पर आई थिंक मैं आज ये जीत गया, आज तो क्लियरली अभिषेक जीत गया। आज इसने जितने भी मीम्स लाए वो एक्चुअली में मेरे को दो उल्टी कराने वाले थे, तीन रुलाने वाले थे और चार तो मेरे बस कर भाई वो बस वो कर लड़कियों वाला था वो तो भाई बस वीडियो खत्म। मौज कर दी, बढ़िया थी वीडियो और मजेदार थी। और लेकिन मैं कहूँ कुछ कुछ वीडियो तो ऐसी ट्राई नॉट टू क्राई वाले चैलेंज होता था और क्रिंज तो भाई लास्ट वाला तो लास्ट नहीं था, वो दो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट था, वो जो लड़कियां थी ना दो ढूंढो उनको भाई साहब उनका मानसिक संतुलन तगड़ा गया। मैं कसम से जब वो तो भाई वो वाला आया था ना मैं बोलने वाली थी कि ये यही दोनों एक बात है कि वो तेरा बाप है, बचपन मतलब मेरी कोई औलाद नहीं थी तो अरे भैया उसने तुझे मुझे नहीं मेरे तो पूरी वीडियो मैं तो आधी वीडियो ही भूल चुका हूँ जब से मैंने उन दो लड़कियों को देखा ना वो कॉर्नफ्लेक्स खाने का था। और मैं बता रहा हूँ इसके बाद ना इंडिया में भी कलाकार है इसको रिक्रिएट कर देंगे भाई साहब, तैयार बैठते हैं, उनको पता है कि जितना पता है क्या जितना ज्यादा क्रिंज होगा ना उतनी ज्यादा वीडियो चलती है, ये चीज तो देखिए। और ये इस पे बहुत व्यूज होंगे। एक वो चांद वाले भी मेरे को ऑकवर्ड सा लगा जो बनाया हुआ था, वो तो मुझे ऐसा लगा क्यों देख लिया, वो जो चांद पे गया वो पाकिस्तान का एलियन आया हुआ है वो भाई, एक अब्बू वाला भी वो लड़की सही थी 11 सेकंड में कर दिया उसे बोल्ट और मेरे में 1.5 सेकंड का फर्क है वो भाई साहब ड्राइवर वाले का। बाकी आज की मतलब मेरे को लगता है इसमें बहुत रिसर्च करके हुए कि आज फनी मीम की जगह थोड़े क्रिंज टाइप मीम ज्यादा आए। बाकी आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना और वीडियो सेस करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।